में है, आपका एटीएम कार्ड आपके पर्स में, से 1000 लोग हो गया है और सिर्फ डाटा ही नहीं चुका निकाल लिए गए, निकाला गया। मुंबई से आशीष सिंह, प्रमुख कौशल। 8 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट पर बड़ा खतरा, वो 8 करोड़ भारतीय जो एम इस्तेमाल करते हैं, सावधान रहें। दुनिया के किसी भी कोने में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। आपके पर्स में रखा एटीएम ग्रीस में पैसे निकलवा सकता है। एक हजार लोगों के बैंक अकाउंट का डाटा चोरी हो गया। मुंबई पुलिस मुख्यालय में लगे एक्सिस बैंक से 1000 लोगों के बैंक अकाउंट की क्लोनिंग की। पूरी जानकारी इस चोरी के बाद इन 1000 अकाउंट्स में से 29 अकाउंट से 13 लाख रुपए निकाल लिए गए। साइबर सेल के मुताबिक अभी 971 अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। क्लोन किए गए अकाउंट्स में मुंबई पुलिस के 12 अधिकारियों के सैलरी अकाउंट भी शामिल हैं। जब एक्सिस बैंक में कुछ लोगों ने शिकायत की तो मुंबई पुलिस के होश उड़ गए। इंडिया टीवी संवाददाता उस एटीएम मशीन में पहुंचे और तहकीकात की कि आखिर कैसे बनाया गया एटीएम कार्ड का क्लोन। क्लोनिंग की जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि एटीएम मशीन जो है वहां पर ये साफ तौर पे देखिए, ये जो कार्ड यहाँ पर, ये एक्सिस बैंक का, मैम आपसे जान लेना चाहूंगा, ये एक्सिस बैंक का कार्ड जब यहाँ पर डाला जाता था तो उसी दौरान एक डिवाइस जो है वो इसमें एक सॉफ्टवेयर जो क्लोनिंग डिवाइस होता था उसके जरिए यहाँ पर स्क्रैच किए जाने के बाद जो है डाटा स्क्रैच किए जाने के बाद आखिरकार डाटा जो स्क्रैच होता था, जो जानकारियां पहुंचती थी उसे क्लोन कर लिया जाता था, डाटा चोरी कर लिया जाता था और इसके बाद इसके पूरे प्रोसेस को जो है एक तरह से क्लोनिंग के जरिए पूरी तरह से खींच लिया जाता था। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा क्राइम पुलिस मुख्यालय में किया गया है। मुंबई पुलिस इस मामले में अपनी साख पर बट्टा नहीं लगाना चाहती। किसी पुलिस अधिकारी को कंप्लेनेंट बनाने की जगह बैंक को शिकायतकर्ता बना दिया है। ऐसे में जो रकम ग्रीस से निकाली गई वो इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी। ऑलरेडी बैंक के ऑफिसर से उनसे सुबह बात हो गई है, उनका सभी जो पुलिसमैन का पैसा है वो विद इंश्योरेंस वो लोग वापस कर रहे हैं। उसमें किसी हिसाब की कोई तकलीफ पुलिस वालों को नहीं आएगी, ऐसा इंश्योरेंस उन्होंने आज पुलिस दल को दिया है। मामले की जांच एनएम जोशी पुलिस स्टेशन से कोलाबा पुलिस स्टेशन को दे दी गई है। साथ ही क्राइम ब्रांच और साइबर सेल भी जांच में जुट गया है। पुलिस अब जो है धर पकड़ में लगी है ताकि जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह है उसे धर दबोचा जा सके। संतोष पालवनकर के साथ आशीष सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में कि आखिर कैसे कोई कार्ड क्लोन कर सकता है, कैसे फेक कार्ड बनाया जाता है, डेटा कैसे चुराया जाता है, बैंक और कार्ड होल्डर के अलावा सीक्रेट जानकारी किसी और के पास नहीं होती, तो फिर कैसे कोई ग्रीस में बैठकर आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। डेबिट कार्ड की क्लोनिंग बेहद शातिराना तरीके से की जाती है। देखिए एटीएम का ये हिस्सा, यहीं पर हम कार्ड डालते हैं और मशीन द्वारा मांगी जानकारी देते हैं। जिसके बाद कार्ड का इस्तेमाल होता है और यहीं से कार्ड की क्लोनिंग की शुरुआत हुई। कुछ इस तरह से जहां हम कार्ड डालते हैं वहीं पास में जालसाजों ने एक माइक्रो डिवाइस चिप लगा दी, जिसके बाद जितने भी कार्ड इस्तेमाल होंगे उस कार्ड की पूरी खुफिया जानकारी इस डिवाइस में ट्रांसफर हो जाएगी। यूं समझिए ये चिप मेमोरी कार्ड की तरह होती है। जिस एटीएम में ये चिप लगाई जाएगी वहां जिस बैंक का भी एटीएम यूज होगा उसकी पूरी जानकारी इस डिवाइस में ट्रांसफर होती रहेगी।
मुंबई में भी ऐसा ही हुआ। एक डिवाइस के जरिए 1000 लोगों की जानकारी चुरा ली गई। अलग से जैसे हमारा जो मोबाइल का कवर रहता है, मोबाइल का कवर जो रहता है वो ऐसे रहता है, तो इसके ऊपर अगर जो मैंने डाल दिया कवर, तो ये एक मोबाइल का ही हिस्सा हो गया ना, तो वैसे ही ये जो कार्ड रीडर रहता है वो इसी के ऊपर आएगा, लेकिन हाइट के हिसाब से देखोगे तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट में रहता है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक कार्ड इंसर्ट किया है, तो जब मैं पूरा इंसर्ट करता हूँ तब अंदर का जो कार्ड रीडर है एटीएम का, उसने तो उसे रीड किया है, लेकिन जब ये कार्ड अंदर जा रहा था तब स्कीमर के कार्ड रीडर ने भी इस डेटा को रीड किया है। अभी यहाँ से स्कीमर अगर जो यहाँ पे लगा हुआ है तो उसके पास तो डेटा आ गया, लेकिन कौन सा आ गया, जो कार्ड में जो डेटा है वही, लेकिन उसके पास उसका पिन नंबर नहीं आया। तो अभी पिन नंबर के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे ऐसा कुछ तो भी ऐसा नंबर आर्बिट्री नंबर डाल देंगे जो उनका पिन है, लेकिन जैसे ही आप दबाते हो आप देखते नहीं हो यहाँ पे ये हिल रहा है या कुछ है, और अगर जो ऊपर पिन होल कैमरा है तो आपका जो फिंगर टिप्स है वो उनको दिखाई देते हैं और उनको पता चल जाता है। डिवाइस में डेटा ट्रांसफर के बाद इस डाटा को एक कार्ड में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे हम मेमोरी कार्ड से मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ठीक वैसे ही जालसाज इस डिवाइस के जरिए एटीएम कार्ड के साइज के एक प्लास्टिक के कार्ड में इस जानकारी को ट्रांसफर कर लेता है और फिर एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार हो जाता है। इस डिवाइस के जरिए कार्ड का सीक्रेट नंबर भी मिल जाता है, फिर इस कार्ड को किसी भी मशीन में इस्तेमाल कर वहां से पैसा निकाला जा सकता है। क्लोन कार्ड को दुनिया के किसी भी हिस्से में असली कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर डेटा रहता है वो इसे ईमेल के जरिए या और किसी जरिए से वो सामने वाला जो बंदा है उसके पास भेज देते हैं। अभी वो जो दूसरा जो बंदा है जिसका काम है कार्ड को क्लोन करना, उसके पास काफी सारे ऐसे मैग्नेटिक टाइप वाले ब्लैंक कार्ड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई डेटा नहीं रहता, एम्प्टी रहते हैं। उसके अंदर राइट करने के लिए कार्ड राइटर्स आते हैं, अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं जो उसे राइट करेंगे डेटा को। राइट करने के लिए उन्हें चाहिए इनपुट, इनपुट के लिए आपका चोरी किया हुआ जो डेबिट कार्ड है उसका डेटा है उनके पास, और वही डेटा जो है वो उसमें राइट कर देते हैं। हिंदुस्तान में 1000 लोगों का डाटा चुराया गया और ग्रीस में बैठे हैकर्स ने वहां क्लोन तैयार किया और वहीं से 13 लाख रुपए निकाल लिए। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ आशीष सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। अब सवाल कि अगर आपके कार्ड पर क्लोनिंग का खतरा है तो आप कैसे बचें, वो कौन सा रास्ता अपनाएं कि क्लोनिंग और बड़ी धोखाधड़ी से खुद को बचा सकें। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त कार्ड के नंबर के साथ साथ पिन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग या रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो कार्ड के पीछे लिखा CVV नंबर और एक्सपायरी डेट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको क्लोनिंग से बचना है तो दिमाग पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा और CVV नंबर याद कर उसे कार्ड से मिटा दें। किसी शॉप में यूज करें, जैसे कि इसमें देखा रेस्टोरेंट में यूज करें, मूवी हॉल में यूज करें या कहीं पे भी यूज करें, वो सेम मशीन होगी जिसमें क्लोनिंग करते वक्त, तो आपके कार्ड की कॉपी अपने पास स्टोर कर लेगी और प्रोसेस भी कर देगी कार्ड। अगर बात करें सेफ्टी मेजर्स की तो क्या हो सकता है, मतलब क्योंकि आज की डेट में अगर कहें तो प्लास्टिक मनी का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो क्या सेफ्टी की जा सकती है लोगों के लिए? देखिए, अवेयर करने के लिए सिर्फ क्लोनिंग से अगर आपको बचना है तो फिर आपको इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड कहां किसको कैसे पकड़ाते हैं। अदरवाइज इंटरनेट फ्रॉड वगैरह से तो बचना आसान है, अपना CVV नंबर आप मिटा सकते हैं क्रेडिट कार्ड के पीछे से उसको याद करने के बाद, और खासकर कि अब जैसे इंडियन वेबसाइट्स में नेट सिक्योर भी यूज होता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बैंकर्स अब चिप वाला कार्ड भी इशू कर रहे हैं, अगर क्लोनिंग जैसे फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो चिप वाला कार्ड इस्तेमाल करें। देखेंगे चिप्स लगती हैं क्रेडिट कार्ड्स पे, तो जो चिप के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है वो मच मोर सिक्योर है एज कम्पेयर टू स्वाइपिंग द कार्ड, तो इस वजह से आप अपने बैंक में अप्लाई करें कि वो चिप वाला कार्ड आपको दे और ये स्वाइप वाला सिस्टम प्रेफरेबली अगर जैसे जैसे वेंडर्स आउटग्रेड डिग्रेड कर देते हैं तो उसके बाद वो यूज नहीं होगा तो बेटर रहेगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम ये होता है कि आप अपने कार्ड को किसी को हैंड ओवर ना करें। अगर कहीं मॉल या फिर शॉप में पेमेंट अपने कार्ड से कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप खुद कार्ड को वहां मौजूद मशीन में स्वैप करें और मशीन को भी ध्यान से देख लें। अक्सर यह होता है कि हम किसी भी पेमेंट के लिए अपने कार्ड को सामने वाले को दे देते हैं और सिर्फ पिन नंबर डालते हैं। जानकार बताते हैं कि आप अगर खुद ही कार्ड का इस्तेमाल करें तो ऐसे में फ्रॉड से बचा जा सकता है। मुंबई से आशीष सिंह के साथ विमल कौशिक, इंडिया टीवी, दिल्ली। यूपी में SO का मर्डर 24 घंटे बाद भी खाली हाथ, देखेंगे इस ब्रेक के बाद।